हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं पूनम कुमारी और पूनम ब्लॉग के साथ सभी का स्वागत है। और बने रहिए इस ब्लॉग में। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। गाइस, हमें भूख लगी है तो अभी हम यहाँ रुके कुछ खाने के लिए। हम गोविंदपुर में हैं तो मिलते हैं खाने के बाद। गाइस, ये रहा बड़ाकर नदी और ये काफी खूबसूरत है। वहाँ ये देखिए, उस साइड काफी भीड़ है और हम अभी देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। काफी प्यारा व्यू है। उस साइड काफी भीड़ है, काफी लोग उस साइड स्नान कर रहे हैं और अभी हम भी जाने वाले हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। अभी क्या बताएं? गाइस, वहाँ ट्रेन क्रॉस कर रही है। गाइस, ये बराकर नदी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन भी जा रही है। ट्रेन जा रही है। आज कार्तिक पूर्णिमा में आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ काफी भीड़ है। गाइस, आप यहाँ का भीड़ देख सकते हैं। काव भी आ गई है यहाँ पर। गाइस, पानी बिल्कुल साफ है, इसमें बिल्कुल गंदगी नहीं है और कंकड़ पत्थर है और जो भी पता नहीं क्या है वो सबसे है। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो बुआ और अयान, अयान और यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। अरे आयान इधर, आयान आयान इधर देखो, करो क्या वो लग गया? कैसा लग रहा है यार बताओ? अच्छा लग रहा है ना? करने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है माँ का। आप देख सकते हो यहाँ बिल्कुल भी गंदगी, मिट्टी कीचड़ कुछ नहीं है, सिर्फ कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है ये नदी और काफी साफ है पानी। गाइस, आप देख सकते हो पानी बिल्कुल गहरा नहीं है क्योंकि यहाँ से कुछ लोग नदी क्रॉस करके जा रहे हैं और आप देख सकते हो पानी बस इतना ही है। काफी अच्छी हवा भी चल रही है और काफी अच्छा पूरा नेचर से भरा हुआ है। ज्यादा अच्छा मैं नहीं बता सकती कितना अच्छा। चलो काफी और पूनम देखो यहाँ काफी मजा आ रहा है और मुझे यहाँ काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कैसा लग रहा है रविता? बहुत मजा आ रहा है हमको। पूजा ने कैसा लग रहा है आपको बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय आ रहा है।
हमारा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो चुका है, हमने पूजा भी कर ली और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर पानी बहुत कम है, बट अब यहाँ पर पानी का पानी वहाँ से फाटक से खोला गया तो शायद अब पानी बढ़ जाएगा, तो अगर वो होता है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ का काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोग थे बट अब सब चले गए हैं और हम भी जाने वाले हैं, सब चलते हैं और दिखाते हैं आप। आगे तो मेला लगा हुआ है और वो मेला भी आप लोगों को दिखाऊंगी और अच्छे अच्छे सामान है छोटे बच्चों के लिए, खिलौने और मिठाइयाँ वगैरह दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा। गाइज मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, एक्चुअली मतलब यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हवा चल रही है ठंडी ठंडी, सब लोग नहा रहे खेल रहे हैं और नदी भी बहुत अच्छा है और पानी भी बहुत साफ है। यहाँ पर बजरंग बली की मूर्ति है और माँ और बुआ लोग यहाँ पर अभी पूजा करेगी, इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। गाइस यहाँ पे सुबह इतना ज़्यादा मेला लगा हुआ था और हमने इतना लेट किया कि मेला खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुबह यहाँ बहुत भीड़ भी था और मेला भी बहुत सारा था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ बहुत सारा कचरा है जैसे कि आप देख सकते हो, और कुछ ऐसा ऐसा है यहाँ का मार्केट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस हमें यहाँ पर आकर के काफी अच्छा लगा, अब मैं पूछती हूँ नीलम, नीलम को कैसा लगा? अभी ऑटो में बैठ गए और अभी बुआ का वेट कर रहे हैं, तब निकलेंगे। बाबू उसको चोट लग जाएगा, ये देखिए। हाय सिक्योरिटी, देखो कितना क्यूट है। हाँ, इजी लेके कितना क्यूट है, क्यूट है लेकिन नौची भी नहीं। क्या नहीं है? नौची भी नहीं है। नहीं नौचती है बिल्ली। हाँ नहीं, आप बाबू ऐसे नहीं पकड़ो, उसको प्रॉब्लम होगा। देखो देखो चल, बाबू उसको चलने दो। हाय कितना क्यूट है, देखो ना उसे चलने दो। हाँ वो बहुत छोटा है, अरे 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 बदमाश दोनों। देखो से हाय, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, बाय।